9 मार्च को दुनिया भर में गुर्दों का आलमी दिन मनाया जाता है। स्वात में भी नवाज शरीफ किडनी अस्पताल में एक तकरीब मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद गुर्दों की बीमारी के हवाले से लोगों में शऊर उजागर करना था। जबकि दूसरी जानिब इसी दिन अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके साथ आई हुई रिश्तेदार, सफाई के नाकिस इंतजामात, स्टाफ की कमी और उनके नामुनासिब रवैये से नाला दिखाई दिए। गुर्दों की बीमारी होती थी, बार बार पेशेंट्स को जो है वो उल्टियाँ आती हैं, तो उसके लिए वो यहाँ पर ज़्यादातर कुछ इंतज़ाम नहीं है। और तीसरी बात जो है वो यहाँ पर सफाई की है, इधर कोई सफाई मफाई का ऐसा प्रोग्राम नहीं, जो सस्ती नहीं मिलती। अच्छा, थर्मामीटर वो हम बाहर से मंगवाते हैं। मैं इस बात पर अपील करता हूँ कि उसकी स्टाफ बहुत कम है और स्टाफ के मसला में पेशेंट को बहुत तकलीफ है। इस हवाले से अस्पताल के MS डॉक्टर गुलाम रहमानी ने बताया, इस हॉस्पिटल में पहली बार आपके से ये शिकायत मौसूल हुई, अगर हो तो ये आपका बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, मैं इसमें इस्लाह करूंगा। सूबे के सबसे बड़े किडनी अस्पताल में नाकिस इंतजामात अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। लोगों ने मुतालबा किया है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी, सफाई के नाकिस इंतजामात और स्टाफ की नामुनासिब रवैये के हवाले से इकदाम उठाए जाए।